नमस्कार। जन सरोकार मंच द्वारा साक्षात्कार की शुरू के लिए श्रृंखला में इस कार्यक्रम का हमने नाम दिया है इनसे मिलिए। इस कड़ी में आज आपके सामने आ रहे हैं गजराज स्नेही जी। नमस्कार स्नेही जी। नमस्कार सर। स्नेही जी के बारे में सबसे खूबसूरत बात जो कही जा सकती है वो ये है कि ये एक तो ये टोंक जिले ही नहीं पूरे राजस्थान में अपनी एक पहचान रखते हैं। एक अच्छे राइटर हैं। आपकी किताबें पुस्तकें छप चुकी हैं। राजस्थानी पर आपको विशेष इनका अधिकार है। सुंदर कविताएं लिखते हैं, सुंदर गीत रचते हैं जिसमें प्रकृति का भी हमें पूरा पूरा जो सौंदर्य है, जो लावण्य है प्रकृति का, वो भी हमें नज़र आता है और मनोभावनाओं को दर्शाती तो अनेक कविताएं हैं इनकी जो आधुनिक भी करती हैं मन को। आपने बीकानेर राजस्थानी साहित्य अकादमी की उस कमेटी के मेंबर भी रहे जहां पांडुलिपि प्रकाशन के लिए आर्थिक अंशदान भी तय किया जाता है। उस निर्णायक कमेटी के भी आप सदस्य रहे। वैसे प्रोफेशनली आप प्राचार्य पद से शिक्षा विभाग से आप सेवानिवृत्त हुए, तो आपसे एक निवेदन है कि आप थोड़ा सा ये बताएं अपने बारे में कि इस तरफ कैसे आ गए आप लिखना, ये जो आपके मन में रुझान पैदा जी, हुआ जी। ये क्यों विशेष घटना या किसी विशेष अनुभूति को लेकर हुआ या आपको ऐसे ही मन में अच्छा लगा कि अपन ये भी करें? ये एक मैं कहूंगा कि जीवन का एक मोड़ था जी। जब मैं 11वीं में पढ़ता था, ठीक है, एक प्राचार्य जी हुआ करते थे भवनलाल देव मुरारी जी। उन्होंने प्रार्थना में ये कहा कि हम विद्यालय की एक पत्रिका निकालेंगे। बहुत अच्छा। तो उसमें सभी स्टूडेंट्स अपने स्वरचित अच्छा कविताएं कहानी जो भी है थे, और अगर वो किसी भी लेखक की दे रहे हैं तो उस लेखक का नाम लिखना होगा, वरना तो आपको स्वरचित में अपना ही नाम देना होगा। मैंने सोचा कि चलो स्वरचित ही देते हैं, अच्छी बात। तो तुकांत से शुरू किया मैंने। हाँ। तुक शुरू की मैंने। वैसे पूरी कविता तो मुझे याद नहीं है, लेकिन एक दो तीन लाइनें हैं, केवल तुक है कि आज पूर्णिमा थी और व्रत हमारे था भाई, खाने की मन में आई तो हमने बनाई खूब मिठाई, और खा खा कर हुई शाम तो हमने अपनी बत्ती बुझाई। इसमें क्या था कि एक भांग लेकर के फिर हमने एक वो तुकांत कविता रची। उसके बाद क्या हुआ कि साल भर बाद, जब 2 साल बाद हम बारी में आए, तो एक खूबसूरत सपना आंखों में उतरा और हम फिर इस कविता का रुझान जो है उस समय उम्र के हिसाब से श्रृंगार में चला। श्रृंगार मैंने लिखा जी। उसकी एक छोटी सी बानगी है कि दूर मंजिल पे रहती एक परी रूप रतिसा लिए, वह सुंदरी कनक में कोमलता लिए, उसका शरीर देख कर दिल हो उठे अधीर चाल, मदमस्त सेव से कांत कपूर है, बेदाग चंद्र सिंह मुखाकृति गोल है, नयन कजरारे मानो शरबती प्याले हैं, खुशबू लिए नागिन से बाल काले हैं, रजत से दांत द्युति दामिनी भरे मुस्कान, उसके जिगर के टुकड़े करे गोरी कोमल कलाई पहने घड़ी, अधरों पर पद्म राघों की आभा टपक पड़ी। ये शुरू की कविता है। किस वर्ष की रही हो ये? जब मैं 12वीं में पढ़ता था, यानी 1975 के लगभग की। 75 के जी जी। उसके बाद फिर ये जो सपना है वो टूटा अचानक, और टूटते ही मैं ये जो कविता का जो रुझान है वो जब सपना टूटता है तो दर्द की तरफ चलता है, तो फिर मैंने एक गीत लिखा जो आज भी प्रासंगिक है, और वो गीत जो है वो कालजयी गीत है और आज भी मुझे अच्छा लगता है, वो सुंदर गीत है दर्द का। दो पंक्ति बताइए।
मैं ये चाहूंगा कि इस गीत को तो आप पूरा ही सुन लें। मैंने दर्द पाला है, तूने दर्द पाला है, यारों ये दर्द ही निराला है, यारों ये दर्द ही निराला है। दर्द जिंदगी है, दर्द बिना जिंदगी है भार लगती है, दर्द बिना जिंदगी बेकार लगती है। जीना है तो दर्द को संभाल के रखो, और मरना है तो दर्द को निकाल के रखो। दर्द ये जिंदगी की मौत लाएगा, मौत से भी लड़के दर्द जीत जाएगा। खुशबू बिना फूल की ये क्या है बंदगी, दर्द बिना आदमी की क्या है जिंदगी। अश्रु बिना आंख भी तो आंख नहीं है, मेघ बिना सावन की भी साख नहीं है, प्यास बिना सागर की पहचान ही नहीं, दर्द बिना यहाँ कोई इंसान ही नहीं। दर्द मेरा रूठे मुझे दर्द की कसम, दर्द मेरी आश ना है मेरा दर्द बलम। मैंने मांगा प्यार मुझे दर्द ही मिला, जख्मों के ये अंकुर फूटे दर्द ही खिला। दर्दों के ये मखाने हैं, दर्दों के ये जाम, दर्द सुबह उठे और दर्द उठे शाम। गोपियों को था दर्द उद्धव का पैगाम, कृष्ण को भी था यारों दर्द अविराम। दर्द बिना राम भी तो राम न बने, दर्द बिना यारों कोई काम न बने। राम को भी दर्द था, रहीम को भी दर्द, ईशा को भी दर्द था, गौतम को भी दर्द। दर्द नहीं महावीर को महावीर बनाया, दर्द नहीं ख्वाजा को ये पीर बनाया। दर्द से ही आदमी आदमी बना, दर्द ही बनाए करे दर्द ही फना। सुंदर सुंदर तो ये आपने जब लिखा जी जी, किस उम्र की मोड़ पर? ये लगभग 18-19 साल 20 साल की। बहुत अच्छा आपकी पकड़ थी उस समय, और ऐसा लगता नहीं कोई नया बच्चा लिख रहा हो, उसमें पूरी मैच्योरिटी नजर आती है। पर ये मुझे लगता है सक्सेना जी, ये कोई चोट की वजह है। हाँ, हो सकता है, देखिए बिना उसके तो कुछ होता भी नहीं। जी 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 जी, मैं आपका दर्द नहीं कुरेदना चाहता जी। आपकी मुस्कान बता रही है कि दर्द ने कितना हंसाया है, कितना रुलाया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वो दिख रहा है, बहुत बढ़िया। अब इस लेखन के संग बात जुड़ती है कि जी, विशेष रूप से क्योंकि आज हम जो साक्षात्कार कर रहे हैं वो आज की परिस्थितियों का है जी, तो थोड़ा सा आप ये बताएं कि इस लयबद्ध कविता के साथ स्वयं को रखते हुए जी, और भी सब तरह की रचनाएं आपने लिखी हैं जी, आज की कविता के संबंध में, उसके स्वरूप के संबंध में आप क्या सोचते हैं? कविता, मैं समझता हूं कविता वो चीज है जो किसी के भी मन में अगर उपजती है तो उसके बहुत से कारण होते हैं। बिल्कुल। और कविता का लय होना ये भी जरूरी नहीं है, कविता का तुक होना ये भी जरूरी नहीं है। जैसे आप अशोक सक्सेना लिखते हैं कविता में, उसमें भाव प्रदान होता है, वो भाव जो है वो भाव उसमें आना चाहिए, जो आदमी कहना चाहता है वो उसमें आने चाहिए, जीवन मूल्य उसमें आने चाहिए, जन का दर्द उसमें आना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर जन सरोकारों का दर्द उसमें ना हो तो फिर मैं उसको कविता आज नहीं बनता, आज के संदर्भ में। आप कविता ना कहने की तो हम जरूरत नहीं कर सकते, लेकिन आज की कविता जी के संदर्भ में जी तो हम ये शायद कह सकते हैं जी कि आज की कविता को उसमें शामिल नहीं किया जा सकता जैसे आप कह रहे हैं। तो आज की कविता, जैसे आपने कहा कि भाव और एहसासों की कविता है जी, जैसा आपने जी, आपने कहा जी, और एहसास ही नहीं है, संवेदनाएं नहीं है जी, क्योंकि शायद मैं अतिशोक्ति नहीं कर रहा हूँ, कविता आज मनोरंजन की वस्तु कम रह गई है जी। सक्सेना जी, मैं बात कर रहा हूँ कविता की okay. यानी अगर मान लो उसमें किसी प्रकार के मूल्य नहीं है, उसमें किसी प्रकार का
जन दर्द नहीं है, उसमें किसी प्रकार के आज की स्थितियों का मूल्यांकन नहीं है, तो मैं समझता हूँ उसको कविता ही कहना मैं वाजिब नहीं समझता हूँ। ठीक है, वो कविता ही नहीं है, बात हम कविता की कर रहे हैं, कविता क्या है आज के संदर्भ। बिल्कुल, यद्यपि आज हिंदी मंचों ने कविता को बहुत पीछे धकेल करके और इस कविता को चुटकलों के कफन ओढ़ा दिए गए हैं, जो दर्द मतलब आज हर जो वास्तव में कवि है उसके दिलो दिमाग में ये दर्द तो है ही सही। जी जी जी। और आज कविता जन के नजदीक जरूर गई है, ये हम मानेंगे, निश्चित रूप से मानेंगे। ठीक है, यदि कविता है तो और यूं मनोरंजन के लिए या मंच के लिए लिखते हो या मनोरंजन के लिए लिखते हो या थोड़ा हंसाने के लिए लिख देते हो तो वो बात अलग है, वो बात जुदा है, तो वो बात नहीं है। क्योंकि कभी कभी होता है, कभी जब व्यवसाय हो जाता है तब उससे कविता छूट जाती है और वो कहीं ना कहीं मतलब कविता से दूर हो जाता है। चलिए, एक अलग सा प्रश्न है आपसे। जी, क्योंकि आप परिपक्व हैं क्षेत्र में। जी, कोई अनजान नया लड़का जी आपसे सवाल कर ले जी कि मेरे मन में विचार तो बहुत उठते हैं जी और टूटा फूटा लिखता हूँ जी, लेकिन आपको गुरु मान के वो ये कहे, अपना आदर्श मान कर जी कहे जी कि मुझे थोड़ा सा ऐसा समझाइए कि मैं कविता को लिखना, अपने भावों को उसमें बांधना सीख सकूँ जी, तो आपसे क्या कहें। मैं उसे कहूँगा कि कविता ये इस भाव को पहले पकने दो। ठीक है, जब तक वो अंदर पकेगा नहीं, बहुत अच्छी बात है, भाव जब तक पकेगा नहीं जब तक मीठा नहीं होगा। सही, जब तक फल पकेगा नहीं मीठा नहीं होगा। ठीक, तो अंदर वो भाव अगर उसका पकेगा तो शिल्प उसके अपने आप आ जाएंगे, शब्द उसके पास अपने आप आ जाएंगे। हाँ, तो और शिल्प को गढ़ना ये तो फिर उसको अभ्यास से अपने आप आएगा, जब शुरुआत करेगा तो अभ्यास से अपने आप आएगा। लेकिन उस आज क्या जो गलती क्या हो रही है, आज हम लाखों कवि होंगे, हजारों कवि होंगे, लेकिन गलत क्या होता है कि उसको पकने से पहले वो प्रसारित होना और प्रचारित होने की तरफ बढ़ जाता है और उसके बीच में ही मौत हो जाती है। कहीं इसमें ऐसा नहीं है कि पढ़ा कम जा रहा है। जी, आप इस विचार से सहमत जी, जी 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 मैं वही बात कह रहा हूँ कि पढ़ता नहीं है, वही बात है, परिपक्वता जब भी आए, परिपक्वता जब भी आए। ऐसा हुआ है, जब मैंने कविता शुरू करी तो मुझे कवि सम्मेलनों का बीच में लालच आ गया, लोभ आ गया, लालच आ गया। और लालच आने के बाद मैं मंच के लिए कविता लिखने लग गया। ठीक है, तो मुझे लगा कि कहीं मैं भटक रहा हूँ और मैंने फिर कविता को फिर अंदर ही अंदर बहुत पकाया, शब्दों को पकाया। ठीक है, और मेरी जो राजस्थानी की कविता है उसमें मैंने एक कविता लिखी, राजस्थानी भी मैं लिखते हैं। जी जी, मेरी पुस्तक भी आई है। जी जी, तो उसमें भी मैंने लिखा है कि शब्द क्या है, शब्द को और भाव को घुटने दो अंदर ही अंदर, शब्द को भी घुटने दो, शब्द आपको ये लगे कि ये शब्द जो है वो मेरे भावों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तब उस शब्द को पकड़ लो। बिल्कुल सही, वो शब्द फिर आपको वो शब्द के अर्थ का मार्जन हो जाएगा, बस यही बात है। तो आपके शुक्र दोस्तों में जी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तो थोड़ा सा जैसे आपसे आग्रह ये है जी, दो प्रश्न है उनको आप अपने हिसाब से जी बैलेंस करके जी दे दें। जी, एक प्रश्न तो ये, जैसा आपने कहा कि आप मंच पर भी गए, रचनाएं भी लिखेंगे, श्रोताओं ने आपको सारी प्रशंसा मिली, चाहा भी। दूसरा ये कि राजस्थानी पे आपका बहुत अच्छा जी अधिकार रखते हैं आप जी भाषा पर, तो एक तो ये कि राजस्थान भाषा की अपने देश में, अपने राज्य में इसको लेकर क्या तो संवैधानिक स्थिति है जी,
क्या कोई प्रयास किए जा रहे हैं? और वो प्रयास सिर्फ फोटो सेशन तक, अखबारबाजी तक ही सीमित रह जाते हैं, या उसके लिए कोई दिशा तय की जा रही है? जी, या ऐसे सोचा ही नहीं जा रहा, सिर्फ कहा ही जा रहा है? जी, आप क्या सोचते हैं? ऐसी बात नहीं है। हमारी जो राजस्थानी भाषा है, उस राजस्थानी भाषा को लेकर के बहुत प्रयास हुए हैं जी। और 1944 जब हम आजादी नहीं हुए थे, 1944 में पश्चिम बंगाल में दिनाजपुर है, वहां पर सम्मेलन हुआ था। और उस सम्मेलन में बीकानेर से और अपने पश्चिमी राजस्थान से डॉक्टर करणी सिंह, जो बीकानेर के राजा थे, और भी बहुत से जो विद्वान थे, वो लोग वहाँ उसमें गए थे। और उसमें जाने के पश्चात उन्होंने इस पर ज्ञापन भी दिया था, और अपने संविधान जो निर्माण समिति, उसको ज्ञापन भी दिया था कि हमारी इसको भी सूची में शामिल किया जाए, संविधान की सूची में शामिल किया जाए। इसके लिए बहुत प्रयास हुए, आंदोलन भी हुए, लेकिन उस समय क्या है कि एक राष्ट्रभाषा हिंदी को लेकर के भी एक विचार चल रहा था, बहुत जम के विचार चल रहा था। तो राजस्थानियों को ये समझाया गया कि आप अपनी जो मातृभाषा है वो हिंदी को बताइएगा, ताकि हिंदी का ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़े। और उन्होंने बताना, मातृभाषा अपने बताना शुरू किया, जबकि गुजरात, पंजाब, हरियाणा और ये जो दक्षिण राजस्थान, दक्षिणी देश हैं, जो जैसे मलयालम है, जैसे तमिल है, जैसे उड़िया है, जैसे इन लोगों ने अपनी भाषा को संविधान में स्थान भी दिलाया, और इनके प्रति इनका लगाव भी था। सही। हमारे राजस्थान में इसका लगाव कम है भाषा के प्रति। भाषा के प्रति लगाव क्यों कम हुआ? क्योंकि हमें ये सिखाया गया कि हम आपकी मातृभाषा हिंदी लिखी, ठीक है। तब भी फिर भी आंदोलन हुए, राजस्थानी भाषा मान्यता संघर्ष समिति बनी। अच्छा। उस यहाँ भी मैंने स्थापना की थी संघर्ष समिति का, यहाँ लोगों को मैंने जोड़ा भी था जी। लेकिन जब गलत लोग जुड़ जाते हैं भाषा को लेकर के, गलत लोग जुड़ जाते हैं, तो फिर उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है, राजनीति हो जाती है। हाँ, राजनीति हो जाती है। इसके अलावा 2003 में जब हमारे यही माननीय मुख्यमंत्री जी थे, इन्होंने प्रस्ताव भी लिया है, प्रस्ताव लेकर के भाषा का आठवीं सूची में शामिल करने के लिए केंद्र में प्रस्ताव भी भिजवा दिया है। वो केंद्र में आज भी वो प्रस्ताव वहीं विचाराधीन है। इसके अलावा लक्ष्मीमल सिंह भी, जिन्होंने भी भाषा का वो उठाया, गिरधारी लाल जी भार्गव हैं, उन्होंने भी उठाया। और हमारे यहाँ 25 सांसद हैं, लेकिन इस भाषा को लेकर के कोई संवेदनशील नहीं है। हालांकि बहुत से लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको ज्ञापन देते हैं। पश्चिमी राजस्थान में ये ज्यादा चल रहा है, अपने इधर इसका प्रभाव थोड़ा कम है। और इसीलिए मैंने जब मैं राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी का सदस्य रहा, तो उस समय देव कोठारी जी थे, उदयपुर के वो अध्यक्ष थे, तो उन्होंने मुझे जाजपुर में मुझे मिले वो, और मुलाकात हुई। तो मैं फिर उनसे यहाँ थोड़ा आंदोलन भी चलाया, और थोड़ा विचार भी चलाया, थोड़ा लिखा भी सही, और प्रयास भी चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। और कन्हैयालाल जी सेठिया ने तो ये कहा है कि चेहरा बिना होती नहीं दड़की कभी पिछाण, राजस्थानी के बिना क्या रो राजस्थान, जब चेहरा ही नहीं है राजस्थान जी, तेवर अलग थे। हाँ, तो वो इसी तरह से आंदोलन चल रहे हैं, आंदोलन, ऐसी बात नहीं। चलिए, अब बातचीत को थोड़ा सा मोड़ते हैं जी, और वापस हम आपके लेखन से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो आपसे आग्रह यह है कि जो सुधी दर्शक देख रहे हैं जी, उनको आपकी कृतियों का लाभ भी तो मिले जी। तो आप चुनिंदा हर रंग की एक एक कविता, जैसे आप
गांव, हिंदी में आप कविता लिखते हैं या राजस्थानी में लिखते हैं, गांव की पृष्ठभूमि को लिखते हैं या शहर की मानसिकता पर लिखते हैं, जिस विधा में जिस शैली में आप लिखते हैं उनके थोड़ा थोड़ा सा रसा स्वादन कराते हैं जी 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 तो अच्छा लगेगा जी। मैं चाहता हूं कि क्योंकि मैं, आप भी जानते हैं इस बात को कि गांव की पृष्ठभूमि से आया हूं और गांव के दर्द को मैं जानता हूं, और उसी मेरे जब भी कलम उठाता हूं तो वही गांव का दर्द मेरे उसमें मस्तिष्क में उभरता है। तो मैं दो हिंदी की जो है जो आप ठीक समझे जी जी मैं चार पंक्ति में मैं कहना चाहूंगा कि वो जो गांव, इसमें एक प्रतीक दिया है मैंने, फार्म हाउस। फार्म हाउस एक प्रतीक है जो खेतों को बांध करके चारों तरफ दीवार करके एक मकान बना दिया जाता है और वो मकान बंद हो जाता है, वो खुलापन नहीं रहता है। तो ये एक प्रतीक है ये, तो ये गुम होते जा रहे हैं। तो इन चार पंक्तियों में मैं इस पूरे दर्द को समेटना चाह रहा हूं कि कहां गई वो बगतरी, बगतरी पहनने की होती थी यहाँ, कहां गई वो बगतरी वो पेचों वाली पाग, कहां गई वो बगतरी वो पेचों वाली पाग, भारी भरकम पगर खीर वो लाठी वाली धाक। ये राजस्थान का मतलब आदमी लाठी रखता था, उसे तेल पिलाता था, उसका सजावट करता था, हर नौजवान लाठी रखता था। तो कहां गई वो बगतरी वो पेचों वाली पाग, भारी भरकम पगर खी वो भारी भरकम पगर खी वो लाठी वाली धाक, वो लाठी वाली धाक वो कंठी झेला मुर्की, वो मूछों वाली बांक वो गालों वाली सुर्खी। स्नेही मुरझा गई अब सौंधी सौंधी रे, फार्म हाउस होने लगे वो नाड़ी वाले खेत। वो जो नाड़ी वाले खेत थे जो खुलेपन था वो अब फार्म हाउस हो गए, जहां अपराध भी पनप जाते हैं क्योंकि बंद होते हैं वो चारों तरफ से। तो एक मैं ये जो गीत प्रस्तुत करना चाहूंगा, हाँ हाँ गांव पर ही है थोड़ा, कि तपती हुई दोपहरी में गांव, हम तो एसी में बैठ जाते हैं लेकिन गांव जो है वो भी पीपल और वट वृक्ष के नीचे खाट बिछा करके सोता है, बैठता है दिन में भी दोपहरी में भी। सही। तो ये गर्मी से लेकर के बरसात तक का थोड़ा सा वर्णन है, आप देखिएगा कि धरा सुलगती आग बरसती, कि धरा सुलगती आग बरसती, ताती ताती दोपहरी तीखी धूप लू की लपटे चिल चिलाती दोपहरी, धरा सुलगती आग बरसती ताती ताती दोपहरी तीखी धूप लू की लपटे चिल चिलाती दोपहरी, सूनी पगडंडी सुने रास्ते तरवर नीचे छाव, सूनी पगडंडी सुने रास्ते तरवर नीचे छाव, वट पीपल के नीचे बैठा खाट बिछाए गांव, वट पीपल के नीचे बैठा खाट बिछाए गांव। मेरे गांव के कच्चे घर हैं, उसके अंदर का दृश्य देखिएगा,
कीची ची करते डांडे ऊपर गोरैया के बच्चे, कीची ची करते डांडे ऊपर गोरैया के बच्चे, कि ठंडे ठंडे मुड़क रहे घर मेरे गांव के कच्चे, कि ठंडे ठंडे मुड़क रहे घर मेरे गांव के कच्चे, कि छम छम करते बाज रहे हैं बिछिया वाले पांव, वट पीपल के नीचे बैठा खाट बिछाए गांव। गीत सुनाती कोयलिया को मयूरा नाच दिखाए, अरे गीत सुनाती कोयलिया को मयूरा नाच दिखाए, अरे घने नीम की हरी छाया में तोता तान सुनाए, इस मस्ती को देखे ठिठके सूरज के भी पांव, वट पीपल के नीचे बैठा खाट बिछाए गांव। जब बबूल में गोंद निकलते हैं तो पूरे ऐसा लगता है जैसे मोती उस बबूलों के रहता, और खेत मेल में जब दीमक का धुंबा होता तो ऐसा लगता है कोई बाबा जी संत कोई महात्मा बैठा हुआ है। यही दृश्य इसमें है कि बबूलों पर गोंद चमकते जैसे चमके हीरे मोती, मेरा गांव नदी के किनारे है, कि बबूलों पर गोंद चमकते जैसे चमके हीरे मोती, रात फैलाए नदी किनारे चांदनी वाली धोती, कि रात फैलाए नदी किनारे चांदनी वाली धोती, खेत में दीमक का धुआं बाबा जी की ठाऊं, वट पीपल के नीचे बैठा खाट बिछाए गांव। पकने लगी जब जब गांव में यौवन पकता है तो मेरे गांव के आग धतूरे भी झूमने लग जाते हैं। तो ये देखिएगा इसको, इस बिंब को आप उतारिएगा, कि पकने लगे जब पल से वाली झड़बेरी के बेल, कि पकने लगे जब पल से वाली झड़बेरी के बेल, लगे झूमने गांव के सारे आग धतूरे केर, बरसाती बूंदे पी पी कर खिलने लगा है सांव, वट पीपल के नीचे बैठा खाट बिछाए गांव। थोड़ा श्रृंगार ही नहीं है, थोड़ा डर भी है। वो डर क्या है कि मूठ बाजरी मक्का निपजे सेंध का चरी फूट, मूठ बाजरी मक्का निपजे सेंध का चरी फूट, आंखों में दहशत फैलाए पटवारी की लूट, आंखों में दहशत फैलाए पटवारी की लूट, किसको ये फरियाद सुनाए छाले वाले पांव, वट पीपल के नीचे बैठा खाट बिछाए गांव, वट पीपल के नीचे बैठा खाट बिछाए गांव। का दिन बड़ा शुभ रहा, फिर कभी और जल्दी ही फिर मिलेंगे, क्योंकि अभी बहुत कुछ सुनना बाकी है, इसलिए फिर इतना ही और समय लेके आपको तकलीफ देंगे। आज के लिए आपसे सबसे नमस्कार, इजाजत चाहते हैं। नमस्कार नमस्कार।